नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश दौरे के दूजे दिन उज्जैन च सफाई मित्रां नाल करनगे गलबात। कई होर समागमां विच वी करनगे शिरकत। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर आगू नरेंद्र मोदी श्रीनगर अते कटड़ा च चोण रैलियां नूं करनगे संबोधन। चार दिन तक चलन वाला वर्ल्ड फूड इंडिया समागम अज नवी दिल्ली दे भारत मंडपम विखे शुरू हो रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भारतीय फौज नूं उच्च पद्धर दियां जंगी तैयारियां लई तैयार रहण दा दित्ता सद्दा। भारत ते बंगलादेश विचाले मौजूदा टेस्ट लड़ी दा पहला मैच चेन्नई च खेडिया जा रहा है। हुण खबरां विस्तार नाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने मध्य प्रदेश दौरे के दूजे दिन अज उज्जैन च सफाई मित्रां नाल गलबात करनगे। उह सफाई मित्र सम्मेलन च हिस्सा लैणगे ते स्वच्छता मित्रां नूं सर्टिफिकेट वंडणगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख मेहमान के तौर पर उज्जैन इंदौर 6 मार्गी सड़क प्रोजैक्ट के भूमि पूजन प्रोग्राम च शामिल होणगे। श्री महाकलेश्वर मंदिर के दर्शन करन तों बाद राष्ट्रपति मुर्मू स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत मंदिर के कॉम्पलैक्स च श्रमदान करनगे। राष्ट्रपति श्री महाकाल लोक दा दौरा भी करनगे अते इस कॉम्पलैक्स च काम करन वाले कारीगरां नाल गलबात करनगे। अपने मध्य प्रदेश दौरे दे आखरी पड़ाव च राष्ट्रपति इंदौर विच देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी दे डिग्री वंड समागम च हिस्सा लैणगे। इस तों पहलां कल राष्ट्रपति ने इंदौर च हैंडलूम बुनकरां वल्लों रेशम ते सूती दीआं बणीआं चंदेरी ते महेश्वरी साड़ियां नूं देखिआ। उन्हां ने कारीगरां जुलाहे ते आदिवासी कारीगरां नाल गलबात करदिआं ते उन्हां दी कला दी शलाघा कीती। राष्ट्रपति ने पुराने सभ्याचार ते परंपरा नूं संभालण लई उन्हां वल्लों कीते जा रहे उपरालियां दा जिक्र करदिआं इस नूं संभालण दी लोड़ ते जोर दित्ता। प्रधानमंत्री अते भारतीय जनता पार्टी दे सीनियर नेता नरेंद्र मोदी अज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर दी विधानसभा चोन मुहिम दे हिस्से वजों कश्मीर विच इक चोन रैली नूं संबोधन करनगे। ओह अज सवेरे श्रीनगर च अते दोपहर बाद कटड़ा च श्री माता वैष्णो देवी आधार कैंप च चोन रैलियां नूं संबोधन करनगे। ओह दोपहर 12 बजे श्रीनगर दे शेरे कश्मीर स्टेडियम च चोन जनसभा नूं संबोधन करनगे। ओह चोन लड़ रहे भाजपा उम्मीदवार नाल वी मुलाकात करनगे। प्रधानमंत्री मोदी इस तों पहलां 14 सितंबर नूं डोडा पहुंचे सन। उन्होंने भाई भतीजावाद अतवाद पत्थरबाजी कश्मीरी पंडतां ते तारा 370 वर्गे मुद्दियां ते लोकां नूं संबोधन कीता सी। जम्मू कश्मीर दियां 90 विधानसभा हलकियां लई 10 सालां दे लंबे वक्फे तों बाद 3 पड़ावां च चोणां हो रहियां ने। कल 24 विधानसभा हलकियां लई पहले पड़ाव दी वोटिंग सफलतापूर्वक मुकम्मल हो गई। इस पड़ाव विच 61% तों वध वोटिंग हुई। चार दिन तक चलन वाला वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 समागम अज नवी दिल्ली दे भारत मंडपम विखे शुरू हो रहा है। फूड प्रोसैसिंग उद्योग मंत्रालय दे बुलारे अनुसार इस प्रोग्राम च 90 तों वध देश 26 सूबे ते केंद्र शासित प्रदेश अते 18 केंद्रीय मंत्रालय हिस्सा लै रहे ने। जापान इसका भाईवाल देश है जबकि वियतनाम अते ईरान ते विशेष ध्यान केंद्रित रहेगा। इस प्रोग्राम दा मंतव फूड प्रोसैसिंग सैक्टर च नवाचार सूचना टैक्नोलॉजी अते स्थिरता लई कीते जा रहे यतना विचाले तालमेल कायम करना है। उद्घाटन समारोह च खुराक ते जनतक वंड मंत्री प्रहलाद जोशी, फूड प्रोसैसिंग सनअत मंत्री चिराग पासवान अते फूड प्रोसैसिंग सनअत राज मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू शामिल होणगे। केंद्रीय वनज ते सनअत मंत्री पीयूष गोयल ने नवी दिल्ली च ट्रेडमार्क खोज अते आईपी सारथी चैट बोट लई आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस ते मशीन लर्निंग दा उद्घाटन किया। इस मौके गोयल ने कहा कि भारत कोल दुनिया दा तीजा सब तो वड्डा ट्रेडमार्क सिस्टम है। उन्होंने कहा कि नवियां शुरू कीतियां पहलकदमियां नूं लागू करन तों बाद भारत नूं कौमांतरी पद्धर ते इक नवां दर्जा हासिल होवेगा। गोयल ने कहा कि उन्होंने मंत्रालय ने स्टार्टअप सूखम छोटे अते दरमियाने उद्योगां महिला उद्यमियां विद्यक संस्थावां अते व्यक्तियां लई पेटेंट रजिस्ट्रेशन फीस दा 80% उद्गा कटाउण दा फैसला कीता है।
पूर्वी लद्दाख चीन नाल चल रहे तनाव विचाले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि भारतीय फौज दियां तैयारियां उच्च दर्जे दियां होनियां चाहीदियां हन ते फौज नूं छोटे ते तीबर संघर्षां दे नाल नाल लंबियां जंगां दा टाकरा करन लई भी तैयार रहना चाहीदा है। इंटीग्रेटिड डिफेंस स्टाफ दे हेडक्वार्टर विखे रक्षा खुफिया एजेंसी वालों विदेशी सेवावां नाल संबंधित फौजी अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधन करदियां जनरल चौहान ने कौमी सुरक्षा को हुलारा देने लई जंग दियां तैयारियां हथियारबंद बलों के आधुनिकीकरण फौजी हार्डवेयर च तब्दीली ते स्वदेशीकरण का जायजा भी लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट विच कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूर अंदेशी अगवाई विच भारत अजिहे वड्डे सुधार कर रहा है जिन्हां पहलां कदे भी नहीं सी होया। केंद्रीय मंत्री मंडल ने एक राष्ट्र एक चोन बारे उच्च पदरी कमेटी दी सिफारशां नूं प्रवानगी दे दित्ती है। यह प्रधानमंत्री मोदी का अटल संकल्प है। राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रगतिशील फैसले च साडे लोकतंत्र की मजबूती झलकदी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई च भारत परिवर्तनशील सुधार देखने को मिल रहे हैं। इस दिशा च भारत ने इतिहासिक चोन सुधारा नूं लैके एक वड्डा कदम चुकया है क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक चोन बारे उच्च पदरी कमेटी दी सिफारशां नूं प्रवानगी दे दित्ती है। केंद्रीय खेतीबाड़ी ते परिवार भलाई मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के हितों को ध्यान में रख के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई हेठ केंद्रीय मंत्रिमंडल वालों लए गए फैसलों का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इन फैसलों नाल किसानों का लागत खर्चा घटेगा ते आमदन वधेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री आशा स्कीम जारी रखने के फैसले का स्वागत किया। इससे सरकार वालों 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने संगरूर च अंतर जिला स्कूली खेडां वॉलीबॉल अंडर 19 उमर वर्ग का उद्घाटन किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इन 68वीं पंजाब राज अंतर जिला स्कूली खेड मुकाबलों च पंजाब के 23 जिलों अते 4 विंगां दे लगभग 300 खिडारी हिस्सा लै रहे हैं। यह सुनाम हल्के दे लोकां लई माण वाली गल है। खेडां विच भाग लैण वाले खिडारी आपो अपनी जित दे दावे कर रहे हैं। उद्घाटनी समारोह दौरान कैबिनेट मंत्री ने झंडा चढ़ाने की रसम अदा की। शहीद भगत सिंह स्पोर्ट्स क्लब के अहदेदारा सम्मानित किया। खिडारियों नाल जान पहचान करदिया कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने उन्होंने शुभकामनावां दित्तियां ते खेडां दे खेतर विच वड्डा नामना खट्टण लई उत्साहित किया। समागम दे अखीर च स्कूली विद्यार्थियों वालों पंजाब दे लोक नाच गिद्दा अते भंगड़े की खूबसूरत पेशकारी की गई। एशियन पुरुष हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 जितने तो बाद भारतीय मर्दा की हॉकी टीम चीन तो नवी दिल्ली पुजी। दिल्ली पुजन ते टीम का गर्मजोशी नाल खेड प्रेमियां ते साबका हॉकी खिडारियों ने स्वागत किया। भारतीय मर्दा की हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने कहा कि इस जीत तो बाद टीम बहुत वधिया महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि लगातार खिताब जीतना बहुत खास है। हरमनप्रीत ने कहा कि भारतीय टीम ने इस मुकाबले दौरान बहुत वधिया प्रदर्शन किया है। यह जीत आने वाले टूर्नामेंटा विच टीम के मनोबल नू उत्साहित करेगी। बैक टू बैक इस टूर्नामेंट को जीतना और बहुत स्पेशल है हमारे लिए। ओलंपिक के बाद बिल्कुल मेडल जीता गया है और कितना मोटिवेशन बढ़ा हुआ टीम को और क्या कुछ कब रहा है? बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट मैच आई थिंक मैं बोलूंगा टूर्नामेंट था हमारे लिए क्योंकि ओलंपिक के बाद बहुत ही कम समय में ये टूर्नामेंट था और अपना माइंड सेट एंड इस टूर्नामेंट के लिए रेडी होना बहुत समय कम था हमारे लिए। बट आई थिंक जितने भी हमारे साथ टीम गई है जो यंगस्टर्स भी गए हैं उनकी परफॉर्मेंस देखे तो ओवरऑल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है उन्होंने। भारत ते बंगलादेश विचाले दो मैचों की टैस्ट लड़ी अज शुरू हो रही है। पहला मैच चेन्नई दे चैपोंग स्टेडियम च खेडिया जा रहा है। बंगलादेश ने टास जीत के पहला गेंदबाजी करन दा फैसला लिया। खबर लिखे जाण तक भारत ने एक विकेट के नुकसान से 14 दौड़ा बना लिया सन। कप्तान रोहित शर्मा 6 दौड़ा बना के आउट होया। जिक्रयोग है कि अगले साल होने वाली विश्व टैसट चैंपियनशिप के फाइनल लई इह लड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। रोहित शर्मा की अगवाई हेठ भारतीय टीम बंगलादेश नूं करारी हार देण लई सूचना मैदान विच उतरी है। ऋषभ पंत भी इस मैच राही भारतीय टैसट फॉरमैट च वापसी कर रहा है।
खबरों के बुलेटिन साढ़े दर्शक आ रहे हैं यूटीडी के जलंधर के यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से भी देख सकते हैं। इस दे नाल ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म होया। दिओ आ गया। नमस्कार।